हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम्स का रेड वाइन फेस सीरम का रिव्यू। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, इससे पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों कि ये फ्रेंच ब्यूटी सीक्रेट से इंस्पायर है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फ्रांस, और ख़ास बात इसकी ये है कि ये मेड इन इंडिया है। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करते हैं, तो आपको पैकिंग कुछ इस तरीके की मिलेगी। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके की आपको बॉटल में मिलेगा। ये जो बॉटल है ये कांच की है, ग्लास है ये, और मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी, और ये देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो ये तो मैंने आपको खोल के दिखा ही दिया कि ये रेड वाइन फेस सीरम है। इसकी बॉटल किस तरीके की है और इसके अंदर ये ड्रॉपर की तरह होता है, ये भी आपको मैंने दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं और इनकी क्या क्या खासियत है। तो इसके ऊपर ही सबसे पहले दिख रहा होगा आपको रेड वाइन। रेड वाइन दोस्तों हमारी एंटी ऑक्सीडेंट होती है और एंटी एजिंग होती है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर दोस्तों पेप्टाइड। तो पेप्टाइड हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, हमारी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस होती हैं उनको रिड्यूस करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, एंटी एजिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपेयर करता है हमारे डैमेज सेल्स को। तीसरी चीज़ है दोस्तों इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ स्किन को टाइटनिंग भी करता है। मैंने आपको बताया कि जो फेस सीरम होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसा मैंने आपको इसमें दिखाया कुछ इस तरीके के ही होते हैं सारे। ये एंटी एजिंग है, हमारी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को काफ़ी क्लियर भी करता है। और साथ ही साथ ये फाइट करता है साइंस ऑफ एजिंग से, हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को और साथ ही साथ ये नरिश भी करता है हमारी स्किन को। और मैं आपको इसकी खास बात बता दूं दोस्तों, इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है और साथ ही साथ ये ऑल स्किन टाइप है। आप मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। 30 ml की ये साथ में बॉटल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 30 ml की बॉटल है। ये सीरम दोस्तों FDA अप्रूव्ड है, नो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, साथ ही साथ ये प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना होता है। तो सबसे पहले इसकी बॉटल को हम ओपन करेंगे, और इसको लगाने से पहले आपको फेस वॉश ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस नॉर्मल अपना घर का काम करो लगा लिया, ऐसा नहीं है, फेस वॉश करना है, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। और इसको आपको देखो कुछ इस तरीके से फिल करना है, और उसके बाद आप इसे एक एक ड्रॉप अपने फेस पे लगाते जाएं, जैसे एक यहाँ 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 और यहाँ, और उसके बाद आपको एक थिन लेयर की तरह से अप्लाई करना है, नॉर्मल सा अप्लाई करना है, मसाज नहीं करना है जैसे हम क्रीम से मसाज करते हैं, हल्का सा थिन लेयर की तरह कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है और इसे छोड़ देना है। मैं आपको इसको हाथ पर लगा के दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ मतलब कैसे आपको लगेगा इसको लगाने के बाद अच्छे से। एक तो ये ब्लेंड हो जाता है, ये देखिए थिन लेयर लगानी है, बिल्कुल मसाज नहीं करना है और काफ़ी लाइट वेटेड है ये। ये देखिए स्किन में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका प्राइस है दोस्तों सीरम का 600। आप इसे खरीदोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको ज़रूर मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली खरीद सकते हो। ये था दोस्तों मेरा रेड वाइन फेस सीरम का रिव्यू। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सीरम है, काफ़ी लाइट वेटेड है। आप इसे ऐसा नहीं है कि रात में ही लगाना है या नाइट सीरम है तो मैं रात में ही लगा के सो, ऐसा नहीं है। आप दिन में या मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद इसको अच्छे से अप्लाई करो और छोड़ दो, इसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी स्किन में कुछ तो अलग हो रहा है, मतलब ग्लोइंग हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपके साथ ये रिव्यू किया है इस वीडियो में। अच्छा सीरम है, आप जाके इसको खरीद सकते हो।